नमस्कार दोस्तों, जो आप देख रहे हैं ये रेगुलेटर पाइप, अब मैं क्या काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ कि इसे बाहर करने का, बहुत कोशिश कर लिया, खींच लिया, हाथ दर्द करने लगे, लेकिन ये खुल नहीं पाया। एक्चुअली बहुत ज़्यादा, अगर साल दो साल आप इसे ऐसे ही रहने दिए तो ये बिल्कुल जाम हो जाता है। अब इसमें और इसके रबड़ भी काफ़ी हार्ड होते हैं जो कि इसमें चिपक जाता है, तो इसको आप निकालने की कोशिश करेंगे तो जल्दी ये निकल नहीं पाएगा। तो इसका उपाय क्या है? अब इसका उपाय ये है, सबसे पहले दोस्तों ज़्यादा इसमें PhD या कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप गर्म पानी ले लीजिए, ठीक है? मैंने ये ले लिया गर्म पानी, और एक कंटेनर ले लो कोई सा भी छोटा सा, देखो। अब इसमें जो है धीरे धीरे हाथ को थोड़ा दूर रखें, यहाँ पर जो जॉइंट है ये वाला जॉइंट पर हल्का हल्का पानी देते रहिए, लगभग 2-3 मिनट। इसमें और भी पानी रखिए, गर्म गर्म पानी, गर्म ज़्यादा भी गर्म होगा तो कोई इशू नहीं है। इसमें बहुत हार्ड रबर है, ठीक है? इसमें ऐसे ऐसे देते रहिए, ठीक है? ये आप देते रहेंगे तो कुछ देर तक ये थोड़ा सा लूज होगा, तो थोड़ा सा आपको ऐसे ऐसे घुमाना है, खींचना नहीं है, पहले घुमाना है ऐसे ऐसे, घूमना शुरू हो जाए, थोड़ा फ्री हुआ है। अब इसमें क्या आप एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कैंडल। कैंडल को जलाइए, थोड़ी सी दूरी पर रखिए, ऐसा ना जला दें, थोड़ी सी दूरी रखिए, जो उससे हीट प्रोड्यूस होगा इससे हल्का हल्का नरम करेगा, तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी गर्म पानी का ही किया, ठीक है? तो इसे काफ़ी देर हो गया, मैं काफ़ी देर से इसमें दे रहा था, तो ये थोड़ा सा लूज हो रहा है। अब देख सकिए, हल्का हल्का घुमाते घुमाते कोशिश कीजिए खींचने के, थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन आएगा। ये निकल गया, देख लीजिए, और निकल जाए फिर वापस भी अगर करना हो तो भी ज़्यादा टाइट होता है। तो यह हल्का सा नारियल तेल डाल देंगे, हल्का सा यहाँ पर, तो अच्छे से स्मूथली घुस जाएगा। यहाँ पर हल्का सा नारियल तेल यूज कर सकते हैं, ठीक है? वैसे एक बार अगर ये बाहर हो जाए तो इसको डालने में भी ज़्यादा फर्क, क्योंकि ये गर्म है, और गर्म नहीं भी है तो आप खुले हुए पाइप को अगर आपको लगाना है, बहुत टाइट है, नया पाइप है, एकदम नया पाइप है, लगाना है, नहीं लग रहा, सबसे पहले नारियल तेल हल्का सा लगा दें, सो दैट फिसलन हो जाए यहाँ पे, ठीक है? स्लिपरी हो जाए। उसके बाद नए पाइप को इसमें आपको लगाना है तो हल्का पानी से, कैंडल मत यूज़ कीजिए, उसमें पानी ही यूज कीजिए, गर्म पानी डालिए, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको जब भी डालिए घुमाते हुए, ये नहीं कि ऐसे डालने की कोशिश करें, कभी नहीं, हमेशा ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते, ये लग गया। हालांकि ये गर्म है तो अभी तुरंत तो लग गया, लेकिन न्यू पाइप में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो वो ध्यान रखें कि पाइप को पहले ही थोड़ा सा गर्म पानी से सॉफ्ट कर दें, और फिर उसमें रेगुलेटर के उसमें नारियल तेल लगा दें, फिर आसानी से घुस जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों, अब आपको हाथ दर्द कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये ट्रिक आप आजमाइए और आपको अच्छा भी लगेगा, और इसमें ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।